समीर वानखेड़े को पहला झटका लगा है। आप जानते ही हैं कि समीर वानखेड़े और एनसीबी ने आज सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रभाकर है, जो विटनेस है, उसने जो एफिडेविट हलफनामा दायर किया है उसका संज्ञान ना लें। तो अब उसी पर सेशन कोर्ट का फैसला आया है। तो समीर वानखेड़े की याचिका को मुंबई की अदालत ने ठुकरा दिया है। ये याचिका एनसीबी टीम और समीर वानखेड़े की ओर से गवाह प्रभाकर साइल के एफिडेविट के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रभाकर के एफिडेविट का संज्ञान ना लिया जाए और आर्यन खान की जो जांच चल रही है उसमें किसी तरह की रुकावट ना आ पाए। स्पेशल जज वीवी पाटिल ने एनसीबी की इस याचिका को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि एनसीबी को जो भी कहना है वो हाईकोर्ट में जाकर कहे, सत्र न्यायालय में ये मामला खत्म हो चुका है। जज वीवी पाटिल ने यह भी कहा कि ये मामला अब हाई कोर्ट में है, इसलिए वो इस मामले पर कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अब इस मामले में एनसीबी हाई कोर्ट जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं गवाह प्रभाकर साइल को पुलिस संरक्षण दिया गया है और उन्होंने ये दावा किया था कि उनसे 10 ब्लैंक पेपर पर साइन कराया गया और उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन सुनी थी जिसमें ये पता चल रहा था कि 25 करोड़ में डील हो रही थी जो 18 करोड़ में फिक्स हुई और उसमें से 8 करोड़ मिलने वाला था समीर वानखेड़े को, और अगर ये 18 करोड़ आ जाते तो आर्यन खान को रिहा कर दिया जाता। तो इसी को लेकर उन्होंने एक हलफनामा दायर किया था जिसके खिलाफ जो है ये याचिका सेशन कोर्ट में दायर की गई थी समीर वानखेड़े और एनसीबी की तरफ से, लेकिन सेशन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया है और कहा है कि इस पर हम किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि पूरा का पूरा मामला फिलहाल जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में है।